की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी योगी तेरी सरकार, मुर्दाबाद। मऊ जिले में समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया। समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष सहित छात्र नेताओं पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किए जाने से नाराज होकर विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। नगर क्षेत्र के बाल निकेतन तिराहे पर बीजेपी सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे समाजवादी छात्र सभा के राज विजय यादव ने बताया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वर्तमान छात्र संघ पदाधिकारी के ऊपर जिस तरीके से संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है वह निंदनीय है। यह सरकार छात्र विरोधी कार्य कर रही है। वर्तमान बीजेपी सरकार में किसान महिलाओं सहित तमाम जनता अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रही है। वहीं छात्र नेता चंदन सानी का कहना है कि पूरे देश से छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपने सपनों को साकार करने जाते हैं, लेकिन वहां सरकार के दिशा निर्देशों पर प्रशासन लाठियां भांजते हैं और संगीन धाराओं में केस दर्ज कर छात्राओं के भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। इसलिए हम सरकार के ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जिस तरीके से वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष अवनीश कुमार यादव और वर्तमान छात्र संघ उपाध्यक्ष और तमाम आदि छात्रों पर जिस तरह से मुकदमा लगाया गया है, संगीन धाराएं लगाई गई हैं, इससे ये साबित होता है कि वर्तमान जो सरकार सत्ता में है और प्रशासन के दबाव के द्वारा ये ऐसे संगीन मुकदमे छात्रों पे लगाई जा रही है। मैं बताना चाहूँगा, पुतला फूका है आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी का पुतला फूका गया है। श्रीमान जी को बताना चाहेंगे, उनके तो लड़के नहीं हैं, लेकिन इन नौजवानों के ऊपर जो मुकदमे संगीन धाराएं लगाई जा रही हैं ये बहुत ही निंदनीय है। अगर होश में समय रहे तो होश में ये लोग नहीं हैं तो उग्र आंदोलन होगा छात्रों के द्वारा। और इस सरकार में महिलाएँ, छात्र, किसान सब लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यह सरकार बहुत ही मतलब शर्मिंदगी की तरफ इनको मर जाना चाहिए, पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। जय जय जय।